मंदिर में फेंका गया नवजात शिशु का शव, जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 माह तक कोख में रखा, उस बच्चे को मंदिर में इस तरह फेंकना शर्मनाक बात है। एक माँ ने ममता की हत्या कर दी। मामला झारखंड के धनबाद से आया है। धनबाद थाना क्षेत्र के धैया खटाल रोड सांबा सदाशिव आश्रम शिव मंदिर में एक नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों में तरह तरह की बातें भी शुरू हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दिया, जहां मौके पर सदर थाना टीम पहुंचकर नवजात शिशु को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। इस घटना के संबंध में मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह मंदिर की गेट खोलकर मंदिर की साफ सफाई कर रहा था। आज सोमवार के दिन होने की वजह से भगवान शिव जी पर धतूरा का फल चढ़ाने के लिए मंदिर के दाई ओर देखा तो एक लाल कपड़े में एक शिशु का अंग दिख रहा था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद यहां काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए। बाद में लोगों ने पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। उस उपरांत पुलिस ने यहां आकर जब लाल कपड़े को हटाया तो उस कपड़े में एक मृत शिशु का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इस बच्चे की पहचान के लिए कई लोगों से चर्चा की गई, लेकिन यह बच्चा बिल्कुल अज्ञात और अनजान पाया गया। पद्मलाल पवन कुमार, मेन रोड गढ़वा। हमारे यहाँ नए डिजाइन की साड़ियाँ, सूट पीस, लहंगा, सूटिंग शर्टिंग, कपड़ों का विशाल संग्रह। शादी विवाह के कपड़ों के लिए उत्तम प्रतिष्ठान। बड़े शहरों में मिलने वाले कपड़े अब पाए गढ़वा शहर में। खरीदारी के लिए आपका स्वागत है।